भाई अभी एक चीज लेकर आया था साजिद भाई, तू ही लाया था ना? दो सौ रुपया की थी मांग, 200-300 रहा था। बता रहा अब क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा। गाइस जो व्हाट इज दिस, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, समझ गए? बताओ गाइस ये देखो क्या है, ये इसमें कुछ चिराग यही बोलते हैं ना, देखो इसमें धुआं निकलेगा एक चीज दरकने के बाद, इसमें कुछ वो पीली भर का आवाज। ये है गाइस, बैठ हो रहे गाइस, तेरे फोन टूट गया। देखो गाइस मैं अभी बताता हूं आप कैसे होता है इसमें, देखो ऐसे लगा दे मुझ पर। अभी क्या, अभी भाई हमें रुकवाया था पुलिस ने चेक पोस्ट पे, फौजी ने थे भाई, 4-5 फौजी, तो गनमैन लेकर खड़ा होगा, AK-47 से लेकर भाई हमारे हिंदुस्तान के जवान, कश्मीर के जवान। तो भाई पूछा उन्होंने, जो के दिख रहा है कुछ और जा रहा है बार बार, भाई इतने प्यार से बात की ना, हम डर गए थे भाई, इन्होंने रुकवा लिया। भाई साहब के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस मेरे पास है, मैं गाड़ी चला नहीं रहा, मैं परेशान हूँ, तो मैं आगे सुनूंगा इससे गाड़ी। भाई भाई उन्होंने रुकवा के इतने प्यार से बात करी, यस भाई, भाई मतलब पूछा कहाँ जा रहे हो, मुझे सोनमार्ग जा रहे हैं जी, गेट यू आर टूरिस्ट, गो जाओ जाओ जाओ। भाई आ चुके हैं हम, आ चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पहुँचने वाले हैं सोलांग, कहाँ है सोलांग, सोलन मार्ग पहुँचने वाले हैं भाई थोड़ी देर में, वहीं पे बर्फ बताई, सामने बर्फ ही नहीं है, पहाड़ों सामने बर्फ ही तो है, ये बर्फ दिख गई फाइनली गाइस, गाइस फाइनली बर्फ दिख गई, निकाल के बाहर से शूट करना, और होटल भी है यार, होटल भी है, होटल 18 किलोमीटर चल रहे हैं वहीं पे ना, सही है यहाँ होटल सही है भाई। फाइनली स्नोफॉल दिख गई, अब जाएंगे उसके अंदर, स्नोफॉल दिख गई भाई, ये मिला से दिख जिस चीज का भाई, जिस चीज के लिए हम आए थे ना वो चीज फाइनली, ये देखो गाइस है थोड़ी बहुत है, ये पड़ती है हमारे यहाँ से 380 कारगिल। गाइस कभी भी आओ ना पहलगाम जरूर जाना, पहलगाम और भाई ये सोनमार्ग और गाँव गुरुग्राम में गुरुकुलम गुलमार्ग, गुलमार्ग वहाँ जाना। देखो भाई सुनो, एक बीता वैली भी है गाइस, सुनो दिख रही गाइस, ये सफेद सफेद है, सुनो ये थोड़ी देर गाइस, कल दिखाऊंगा जब हजरत बल की दरगाह पे जाऊंगा मैं भाई साहब, जाऊंगा जरूर मैं, सुनो देख लो भाई, ये भाई जी आ चुके हैं सोलन मार्ग के अंदर, आ चुके हैं देखो गाइस, मैं बना रहा हूं, मैं तो एयर ड्रॉप से नहीं, रुक जा तू भी लोग बना रहा हूं, मैं कुछ और बना रहा चाह रहा हूं गाइस, बर्फ है फाइनली गाइस, एक ड्रीम तो पूरा हुआ मुझे देखने की बर्फ, मैं जिसके लिए आया था भाई, मैं पिछले साल आया था स्कूल की तरफ से, मैं बताऊंगा बहुत अच्छी स्टोरी, उसको सुनना आप पहले, आप भी देखो चुके हैं, बीकन पड़ता है यहाँ पे, ये 118 चेक पोस्ट नंबर, अब हम 16-17 किलोमीटर रह गया है यहाँ पे सोनमार्ग पहुँचने के लिए, यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, बर्फ है पहाड़ों पे फिलहाल, और सोनमार्ग जाके देखते हैं कैसी पड़ती है बर्फ, सरफा ड्राइव कर रहा है, हाय गाइस, ओके भाईज मिलते हैं यहाँ, ये हम बीकन में चल रहे हैं, अब ये आ गया विलेज ए हेड, बीकन पड़ता है, भाई नज़ारा बड़ा अच्छा है यहाँ का, देखो भाई सही में चल रहा है यार, हकीकत में देखने दिखाने लायक है, ये अल्लाह का घर का मीनार दिख रहा है, मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो भाई साहब पहाड़ों पे देखो आप, वाओ क्या सीन है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर, किसी वक्त गाइस बड़ा अच्छा रूट है, जैसा फोन में लग रहा है ना इससे 100 गुना बढ़िया है भाई, यूं कहते हैं ना जन्नत है भाई, पहाड़ों में आ जाओ जन्नत मिल जाएगी आपको, सोनमार्ग गुलमार्ग जन्नत भाई, जो फील आ रहा है ना, मैं आप वीडियो में नहीं देख सकते यार, ऐसी चीज
कितने ऊपर भी कितनी गर्दन भी सीधी करनी पड़ती है ऊपर की साइड ऊपर पड़ता जब आता है पहाड़ों में आ जाओ जन्नत मिल जाएगी। हकीकत में कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे अपनी रब की भाई मौज लो घर में पट जेब में पट को 50,000 आ जाओ दिन बार ओनली ओनली एट 50,000 बहुत है 50,000 पट को पहुंचे जो अच्छा होगा तीन चार यहाँ ना फिर 50-60 में चार यहाँ ना तुम्हारा और नॉर्मल खर्चा करता है ना यहाँ पे डबल टिबल मांगते हैं उसको बार्गेनिंग कर लो आप तुरंत कर लेते हैं बार्गेनिंग कर लो हमसे मांगे दाल लेक के 2,500 2,500 ये हमारे सर 1,500 हाँ 1,000 रुपए देंगे चार जनों के घुमाना है तो बताओ फिर 1,000 रुपए में हम दाल लेक पे गए। हकीकत में यार जन्नत है कश्मीर। अरे शिमला मत जाओ मनाली मत जाओ यहाँ पे सारी चीज अवेलेबल है बर्फ भी मिलेगी हिल्स भी मिलेंगी वैली भी मिलेगी घूमने को बहन चो हर चीज और रोड सबसे बेहतरीन अच्छी बात है यहाँ के रोड सीधे सीधे हैं और रोड बहुत अच्छे हैं यहाँ के। देखो वैली कितनी खूबसूरत लग रही है। सरफराज भाई तो कह रहा था मनाली जाएंगे मैंने कहा नहीं भाई शिमला जाएंगे मनाली के रास्ते भी खराब है सॉरी कश्मीर जाएंगे भाई। ओहो हो गाइस एक बार कैप्चर करना आप अगर मैं फोन में दे और भाई साहब नेटवर्क क्या सीन है गाइस हमारे यहाँ नेटवर्क चले गए शिमली थी वो हमारे तो भाई 400-300 किलोमीटर पहले से नेटवर्क जाम है हमारे तो एक शिमली थी जब उधर करने पर कैमरा भाई 400 किलोमीटर पहले से मिली थी हमने कश्मीर की जो नेट चलता है भाई उसके भी नेटवर्क जाम है तो अब सामने खबर आ गुलमार्ग में आ चुके हैं यहाँ से ऊपर जाएंगे ग्लेशियर तक तीन चार जगह है और 7-8 किलोमीटर का वो है जिससे कि घोड़े से जाकर के वहाँ पे जाएंगे भाई ठंड बहुत ज्यादा और भाई को जैसे कि वो ठंड में भाई कुछ समझ नहीं आ रहा भाई घोड़ा जाएगा बर्फ तक ग्लेशियर पर काफी ज्यादा सुनो है भाई घोड़ा उनमें बहुत ज्यादा वो निकाल दे बैंक बैलेंस कोई ना भैया 1,000 रुपए दे दो भैया 1,000 एडवांस दे दें ठीक है। ओ इधर आओ ये घोड़े वाला है भैया बोल देना 4-5 जगह जहाँ वहाँ पे रुकते जाए इसको दिखाना आंधे वे सोनमर्ग क्लब सत्ता पे सत्ता साइड सीन हाजीवास लास्ट लेना लद्रवास पहले बात सुनो ठीक हमने 1,000 रुपए पकड़ा पहले बात सुना ठीक 2,600 पकड़ना इससे जूता दिलवाना उधर 50-50 में ठीक है चलो जी एमी शत वत कुता उसके पैसे आप दोगे हम नहीं देंगे बता रहा हूँ एमी सी ओर शत वत रहा ठीक कुता 2,600 रुपए पकड़ना है शूज 4 उसको ऊपर दिलवाना है ठीक है ठीक ठीक है जाओ ठीक है भैया चलो भाई आर यू रेडी भाई बैठ चुके हैं अपने घोड़े पे और आगे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता ठीक है साजिद आराम से बैठना भाई भाई 1.5 लाख रुपए भाई यार अजीब सो रहा चल रहा घोड़ा भाई धचकी लग रही यार अरे यार
भाई पकड़ लो इसको। ओ भाई 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 ओ भाई भाई क्या कर रहा। अरे अरे भाई यार पकड़ लो इसको यार, लग भग गया नहीं दिक्कत हो जाएगी। मारो मत, मार गए तो हम मर गए। अरे भाई भाई आराम से मारो था ऐसे सब। अरे भाई भाई ये घोड़ा मेरी जान लेना चाहवे। चल चल इधर, चल इधर। गाय चल दिए हैं अब अपने हॉर्स पे भाई। वो मुझे तो लगना रहा सही सलामत ये घोड़ा पहुंचा देगा उन्होंने। और भाई अरे इधर भाई ये भाग रहा है। नहीं भागा, सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा भाई मैं तो सीधा ही बैठा हूँ। देखिए गाइस हॉर्स की सवारी यही होता है भाई, घोड़े की सवारी। सही तो बहुत भरोसा ना मेरे घोड़ा जो भाई साजिद है अपना साइज बना तो रहे तू भी ठीक है। क्लिप्स दे देना मैं ऐड कर दूंगा। गाइस यो देखो क्या भैया हरियाणा हरियाणा मेवात हरियाणा मेवात का सुना सुना सर मेवाती है भाई। हम चौड़े अच्छा यहाँ पे गाइस ठंडी ठंडी हवाएं वादियां इसकी बहन के भाई प्राइवेट जिम लग रही है लोहा आके यो वाली भाई जो भी ना मजा आ रहा है। ठंड इतनी पड़ रही है ना कर रही है सुरड़ी सुरड़ और भाई बहुत ज्यादा सिस्टम है यहाँ पे ना कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या उल्टा सीधा मैं बोली जा रहा हूँ। भाई यो है मेरी वाड़ा है घोड़ा और साजिद की है घोड़ी। तो मैं कह रहा हूँ भाई साजिद भाई आगे ले इस घोड़ी को, पर भाई ये कह रहा है कि घोड़ी आगे नहीं जा सकती क्योंकि घोड़ी घोड़ा के साथ रहती है, इनका जोड़ा होता है साथ में। तो घोड़ी घोड़ा के पीछे चलेगी साजिद घोड़ी तो हर भाई घोड़ा है ठीक है ना। भाई हवा लग रही है साजिद जाटो लग रो भाई हवा इतनी ठंडी ठंडी लग रही है कि जिसकी कॉलीमेट नहीं होती। भाई हमारे साइड में स्नो भी है काफी स्नो है पर उतरेंगे यहाँ का मजा ही अलग है। देखो भाई और भाई एक बात बताऊँ अभी आपको अभी ना यहाँ से एक की बात है थोड़ा पीछे की अंग्रेज थे एक अंग्रेज और अंग्रेज ने घोड़ा ने इतनी बुरी पटक मारी उनमें बढ़िया तरह भाई उनके लग गई मतलब उनके कुछ ज्यादा ही लग गई थी जिससे कि वो हो गए थे उठाए भाई जैसे तैसे करके नहीं जब जाके वो उठाए नहीं तो लग गए। और भाई यहाँ पे जैसे कि स्नो वगैरह है स्नो है यहाँ पे इतना नॉर्मल स्नो है इतना ज्यादा स्नो नहीं है सामने सूरज है भाई बहुत है। वहाँ जा रहे हैं भैया कौन सी जगह हो जहाँ जा रहे हैं हम लास्ट में कौन सा जिसमें लास्ट में गेशर भाई गेशर में जा रहे हैं वहाँ पे बेबतार कितने फुटा भैया बर्फ वहाँ पे मतलब एक फुट बर्फ है भाई एक फुट बर्फ है वहाँ पे तो देखते हैं गाइस वहाँ जाके। मैंने भाई से कहा था कि मम्मी की सॉल ले ले भाई हाथ ना देखो यार तुम फेल नहीं कर पाओगे ना कर रहे जो ठंड इतनी बुरी पड़ रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है लिमिट कहते हैं ना रेड निकल रही है भाई मुंह मेरा सील हो चुका है बयान कहा था कहा था जूते उतर ले लो बयान कहा था भाई सूट ले लो सूट ऊपर से लेना पड़ेगा। भाई घोड़ा बहुत महंगा दिया इन्होंने चार घोड़े दिए हमें इन्होंने 3600 रुपये का 3600 का दिया ना ये कुछ भी ना है यहाँ के चार घोड़े 3600 रुपये का दिए भाई आगे देखते हैं भाई सही बर्फ वगैरह है। गाड़ी चेक कर ली थी ना लॉक करके हाँ कर लिया था मैंने चेक कर लिया था गाड़ी किसने करी ठीक भाई मिलता है मैंने किया था यार ठीक है। यो घोड़ा चलना अपना नहीं ले रहा है यो अभी मार दे तो मुझे भाई क्या सर हु इज दिस प्राइस वन पिक 25 वन पिक
सर बहुत महंगा ले रहे हो, कर दो सर 10-10 फोटो खिंचवा लेंगे, 10-10 फोटो खिंचवा लेंगे, वो निकाल के दोगे ना फोन में दोगे सर, फोन तो सर हम तो खूब बढ़िया बढ़िया भैया, प्रिंट निकाल के दो तो बताओ, प्रिंट नहीं है फिर तो भैया थैंक यू। किस चीज़ की? अरे क्या कर रहा है, तेरे में वीडियो लूँगा भाई, मैंने बनाया था किसी की वीडियो, ठीक है। तो गाइस यो, तो भाई अपना फाइनली आ चुके हैं जहाँ पे हमें जाना था ना, वहाँ पे आ गए हम, वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा भाई यहाँ पे ना, हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए बर्फ में, आप देख पीछे का भी दिखा दो गाइस, ये पीछे का व्यू देखो यहाँ पे भाई, बर्फ और ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है ना भाई यहाँ पे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और भाई ग्लव्स मान लिए, सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी हमने भाई, मेरा चश्मा भी वो जम गई, मैंने वो जम गई है, और ठंड इतनी ज़्यादा है भाई, जैसे कोई लिमिट नहीं, आप देख रहे हो, देखो बर्फ जमी हुई है बिल्कुल भाई, और जो भाई है ऊपर जम गए बिल्कुल, हजारों सालों से जमी पड़ी है। साफ पानी, साफ पानी, हाँ ये ओ यो पानी तो ठंडा होएगा। तो भाई फाइनली अपने आ चुके हैं जहाँ पे हमारी लोकेशन थी, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत तगड़ी वो है, ठंड है ना बिल्कुल भाई, फ्रीज हो गए हाथ तो हमारे, जिनमें जहाँ ना देखो आप पीछे भी देखो भाई, एक इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है भाई, जिसकी ना कोई लिमिट नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, सोन सोन दे दो भाई, अरे भाई ठंड ऐसी है ना पूछो मत कैसी है भाई, इतनी ठंड पड़ रही है, फ्रीज का कुल्फी जम जाएगी, बिना फ्रीज का कुल्फी जम जाएगी। और भाई आप व्यू देख रहे हो पीछे का भाई, इतनी ज़्यादा ठंड और लिमिट है, भीड़ भी खूब भाई यहाँ पे भाई, कुछ बोलो ना जा रो, कुछ बोला नहीं जा रहा भाई, फ़ोन भी ऐसे पकड़ रहा, फोन कैमरा चल ही नहीं रहा, और घोड़ा पे भाई इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई, लिट आया जैसे तैसे करके आएगा, हम अपनी आए ना जाता भाई, माय गुड गर्ल, दिस इज गाइस, मोय हो गया, मोय मोय नहीं हुआ मोय मोय गाइस, अपना कोई मोय मोय नहीं हुआ, बढ़िया चीज है, मोय हो गया, हैंड से वो और होती है, मोय हो रहा है, पर ठीक गाइस मिलते हैं, आके दिखाता हूं पैरालाइडिंग करते हैं गाइस, पैरालाइडिंग में भाई पता नहीं इस पे ये जा रहे हैं या है, स्काइटिंग तो भाई चल रहा है, और पता नहीं, अरे भाई आराम से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है भाई यहाँ पर ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है ठंड की, तो और इसका राइटिंग है मतलब आगे स्नो में लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे फुल स्नो मेन स्नो है ना वहाँ पे लेकर जा रहे, क्या हो गया भैया साइड देखो भाई, साइड सूखा पड़ा है बिल्कुल, और इस साइड बिल्कुल वो है गाइस, आर यू रेडी? यस भाई, मज़ा आ रहा है, यस भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, भाई हाथ को पूरा हाथ में दे दिया भाई, व्हाट इज दिस प्राइस फॉर दिस? 450 यार, बहुत महंगा है, अकड़ पकड़ का भाई, ठंड में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना यहाँ पे ना भाई, बता नहीं सकता मैं आपको, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, ये देखो भाई यहाँ पे पानी जम गया है बिल्कुल ठंड में, भाई रील बनाने के लिए मतलब एक रील का 200 रुपये ले रहे हैं, तगड़ी बनाए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा,
भाई भाई विकास के पास वो लिख रखते हैं बर्फ, तो अपने पास भी हम किसी से कम नहीं। अभी मारेंगे इसको साज दिया विकास में मारूँ फोन ये गाइस पैर लग ही नहीं भाई, निशान ही नहीं लगा मेरे भाई, बिल्कुल सब कुछ जाम हो चुका है। इतना ज़्यादा ठंड है ना भाई, मैं आपको कैसे बताऊँ, बस समझ नहीं आ रहा। हालत खराब है कुछ ज़्यादा ही, तो भाई जो है पहाड़ यहाँ पर बर्फ बर्फ है और पीछे से कुछ सीन ऐसा। तो भाई ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है भाई भाई भाई, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होगी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई को बता नहीं सकता मैं आपको। और वैसे भाई जन्नत है, ये व्यू है, मन कर रहा है सारे में खा जाए ना व्यू, ना इतना खतरनाक व्यू लग रहा भाई, डेंजर व्यू जो बात है। और गिर गया भाई रिपोर्ट के, गिर गए मैं और साजिद और विकास भाई भी गिर गया था रिपोर्ट के बर्फ़ में। और भाई ठंड इतनी है कि हाथ अकड़ गए बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती हमने ये करी थी कि हमने ग्लव्स नहीं लिए थे, यदि ग्लव्स ले लेते तो सबसे बेस्ट होता भाई, अपना ग्लव्स नहीं लिया सबसे, आज इसी से मार खा गए। और रील देखो ना भाई इंस्टाग्राम पर, भाई मेरे इंस्टाग्राम आईडी है मैक्स मुस्की नाम से भी है और IM सरफराज सिंगारे नाम से भी है मेरे इंस्टाग्राम के, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है ना वहाँ से भाई मुझे। भाई साजिद करने वाला है, क्या है साजिद पैर राइडिंग, अरे करंट लग रहा है, साइज पर राइडिंग करने वाला है भाई, दिखाना साइज पर ठीक है, दिखा जाने दो वीडियो बनाने के लिए, हाथ उसको खाएगा तो गिर जाएगा, साइज की पैरों को हिलाना नहीं ठीक है, एक वीडियो तूने वीडियो कर कर स्टार्ट, ये खुद रुक जाएगा, मैं खुद रुकूंगा, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो वीडियो बनाने के लिए जाने दो, जाने दो हाथ मत करो साइज साइज का, यस राजा पैर मुड़ गया क्या, पैर नहीं मुड़ा यार, हाथ उठाता ऊपर, उसको मैंने बोला वीडियो बनाना, चलो ऐसे मत करो ना, अगर करना है एक ही बार कर लो वीडियो बन जाएगा ठीक है। यार तू तो दे रहा था रोक लेना, एक राइड का बोला था, तीन राइड होने वाला है वो बात ठीक है, लेकिन यार वीडियो एक वीडियो के लिए बोला था, वही ना एक वीडियो के लिए ऐसे हाथ ऊपर नहीं उठाना, शॉर्ट के लिए पाक्यो वो भी आप करो, रुको रुको मैं पीछे जाता हूं, ये तो दाब लगने टाइप कर जी क्या भाई, यो साजिद की वीडियो बन रही है यहां पे, हाथ ऊपर नहीं उठाना ठीक है, वीडियो बना सामने देखो ठीक है, जाने दो डरना नहीं, हाथ मत उठाओ जाने दो, साजिद डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, कंट्रोल कंट्रोल करो अपने पर, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, रुक जाओ जाने दो, बस 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 हो गया, आउट हो बन गया भाई, फूंक दिया भाई एक रील के चक्कर में 500 फूंक दिया साजिद ने, एक रील के चक्कर में 500 फूंक दिए हैं, स्केटिंग कर रहा है अभी पहले ट्रायल पे, फिर दोबारा अब शुरू करेगा ये, अभी इसे सिखा रहे हैं भैया, अब भैया ये कर रहा है सरफराज आराम से भाई, एक पटक मेरे लग गई है तुम्हारे ना लग जाए भाई, फाइनल अपने नीचे आ चुके हैं, वहाँ से चले थे भाई मतलब एक घंटा लग गया था, फिर वहाँ से आने में अब नीचे आ गए अपने। और भाई भाई को मतलब बहुत अच्छी भाई ने राइड की थी हॉर्स पे घोड़ों पे, मतलब अच्छा अच्छा चलाया था भाई ने जो बात है, और वो मतलब अच्छी सर्विस थी, कभी आओ तो भाई के पास आना ज़रूर, मैं आपको भाई का नंबर देता हूँ। भाई कितना दिया था भैया ने तब, 450 किलो भैया, एक बार तो क्या नाम भैया, विश्ताक अम ठेकरी, क्या विश्ताक 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 अम ठेकरी। तो भाई भाई यहाँ पे वो हॉर्स चलाते हैं, तो भाई आना है तो एक बार जरूर आना भाई के पास, बहुत अच्छी सर्विस है भाई की,